दैट विल वे हेल्पफुल फॉर यूर फ्राउट द्रेपरेशन्स नेशनल पार्क के बारे में डिटेल से देखेंगे इसको मैंने कोशिश की है कि हर लिहाज से इसको जो है कवर किया जाए नेशनल पार्क्स अगर सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो ये वो एरिया है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजरवेशन ऑफ इट्स फाना फ्लोरा एंड नैचुर इन इट्स नेचुरल स्टेट फ्लोरा फाना और नेचुरल सीनरी की उसी नेचुरल हालत में उसकी प्रोटेक्शन और प्रजर्वेशन के लिए जो एरिया सेट किया जाता है दैट इज़ द नेशनल पार्कस कंडीशन में जो है वो उसको अलाउ किया जाता है कि फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन या फिर एजुकेशन या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ इस लिहाज से जो है पब्लिक को भी इसमें अलाउ किया जाता है तो दिस इज़ दिम्पल डेफिनेशन ऑफ नेशनल पार्कस अब इसके जो है कुछ प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए हंटिंग शूटिंग ट्रैपिंग ये सब इसमें प्रोहिबिटेड हैं ये अलाउ नहीं है इसके अलावा फायरिंग ऑफ गन्स बर्निंग डिस्ट्रॉइंग रिमूवल ऑफ प्लांट्स क्लियरिंग ऑफ लैंड्स फॉर कल्टिवेश कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स रेलवे लाइन ए सी ये सारी चीज़ें जो है इनहिबिटेड हैं प्रोहिबिटेड हैं, हैं ये अलाउ नहीं है इसमें नेशनल पार्क में पोल्यूटिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू नेशनल पार्क पोल्यूटेड वाटर भी जो है इसमें से नहीं फ्लो कर सकता तो ये जो है रूल्स हैं इसके समझ लें आप नेशनल पार्क के अब नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एट द प्रेजेंट थर्टी फाइव नेशनल पार्कस मौजूद हैं उसकी मैं आपको अभी लिस्ट दिखाता हूँ यह लिस्ट जो है विकीपीडिया पे भी अवेलेबल है इसमें तमाम नेशनल पार्क के नेम उनको जब वो इस्टेब्लिश हुए उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और जो है कोऑर्डिनेट्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं डिटेल के साथ इसको आप जो है देख लें ये जो मैंने सेव किया है अब जो है कुछ बुक्स में पाकिस्तान के नेशनल पार्क्स जो हैं वो ट्वेंटी एट भी बयान किए गए हैं फोटीन भी किए गए हैं तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि ट्वेंटी एट जो हैं वो टू थाउजेंड एंड एटीन से पहले तक होंगे अब जो है कुछ रिसेंटली ही अपडेट हुए हैं कुछ अस्टैब्लिश हुए हैं जो कि 2020 और 21 में हुए हैं नेशनल पार्क्स एंड दीज आर राउंड अबाउट सेवन ये देखें आप ये हिमालयन नेशनल पार्क्स या फिर जो है नांगा पर्वत नेशनल पार्क ये 2020 में हुए हैं इसके अलावा यहाँ पे एंड पे चार ये लास्ट फाइव जो है दिए गए हैं ये 2020 और 21 में हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिसेंट ईयर्स में 2020 या 21 में कौन कौन से नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुए हैं तो ये जो है आप इनके नेम याद कर लें किस किस एरियाज़ में यह भी याद कर लें दूसरी बात इस फाइल को आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है कि एक तो याद करना है आपने एरियाज मेजर्स के चलो याद कर लें जो नेशनल पार्कस हैं वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे बाकी आपने ये याद करना है कि किस प्रोविंस में कितने नेशनल पार्कस हैं के पी के में कितने हैं पंजाब में कितने हैं गिलगित बल्तिस्तान में कितने हैं और सिंध में कितने हैं इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी कितने हैं ये चीज़ें जो है आपने माइंड में रखनी है ये आपको पता होना चाहिए एम सी यूज इनमें से भी आ सकता है बाकी ये थर्टी फाइव नैशनल पार्कस हैं इनमें से जो है कुछ मेजर नेशनल पार्कस उनको हम डिस्कस करेंगे बाकी उनकी ये कुछ डिटेल्स इधर प्रोवाइड की गई अकॉर्डिंग टू दिस डाटा देर आर ट्वेंटी एट नैशनल पार्कस बट रिसेंटली जो कि पहले मैंने आपको फाइल शो करवाई है अकॉर्डिंग टू दैट दैट आर देर आर थर्टी फाइव नेशनल पार्कस दैट इज़ रिसेंट फाइल तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे इसमें भी वही डिटेल जो है वो दी गई है उसका इस्टेब्लिश कब हुआ उसका एरिया उसकी लोकेशन वगैरह प्रोविंस ये चीज़ें बताई गई हैं अब फर्स्ट नेशनल पार्क जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब देखें तमाम नेशनल पार्क को तो डिस्कस नहीं किया जा सके इसमें जो तो मेजर्स नेशनल पार्क हैं इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे इनमें सबसे पहले जो है वह किरथान नेशनल पार्क है दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान वेरियस नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जो है उन चंद नेशनल पार्कस में से है जो कि सबसे पहले बनाया गया नाइनटीन सेवेंटी में इस्टेब्लिश हुआ ये और इसका जो है एरिया एरिया जो इसका है दैट इज़ तीन लाख आठ हज़ार सात सौ तैंतीस हेक्टेयर ठीक है यह इसका एरिया है सिंध में लोकेटेड है और जो है इसमें बहुत सी लेक्स प्रेजेंट हैं वन ऑफ देम इज़ हब लेक हब लेक जो है वो तकरीबन 82 टू स्क्वेयर किलोमीटर तक है और उनमें सबसे बड़ी लेक है जो कि इंसानों ने बनाई है इस कंट्री में मैन मेड लेक्स जिसे कह रहे हैं और ये जो है महसीर फिश के लिए भी सेंचुरी के तौर पर डिक्लेयर किए जा चुकी है महासिर टॉर चोरा दैट इज द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान उसके लिए एज ए सेंचुरी भी डिक्लेयर की जा चुकी है और ये लेक जो है बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी जो है रेफ्यूज के तौर पर एप्ट करती है अब प्राइमरली ये नेशनल पार्क है ये वाइल्ड गोट एंड शीप की प्रोटेक्शन और उनकी प्रिजर्वेशन के लिए इस्टेबलिश किया गया हर नेशनल पार्क जो है किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ की प्रिजर्वेशन और उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है उसको आपने माइंड में रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए बनाया गया अब उसमें बहुत सी बाकी और भी स्पीशीज हैं लेकिन किस स्पीशीज के लिहाज से स्पेसिफाई उस है उसको आपने माइंड में रखना है वाइल्ड गोड्स जो के हैं जिन्हें सिंध आई या कैप्रा हिरकस भी कहते हैं ये इसमें प्रेजेंट होती हैं या फिर जो है वो वाइल्ड शीप्स जिन्हें गुड ओवियस और कहते हैं ये भी इसमें प्रेजेंट है इनकी तादाद जो है वो नाइनटीन सेवेंटी वन में काउंट की गई थी डैट वाज वाइल्ड गुड की बात कर रहा हूँ मैं ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड मेम्बर्स थे ये और फिर नाइनटीन सेवनटी सेवन में इंक्रीज़ होकर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो, हो गए फिर बाद में फोर थाउजेंड और रिसेंटली ओप सो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए यानी कि एट दैट टाइम उनकी तादाद जो थी वो डगमगा रही थी कम हो रही थी इसलिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया इसके अलावा जो है इसमें फ़िफ्टीन ब्लैक बग स्पीशीज़ भी प्रजेंट हैं जो कि स्टेट ऑफ टैक्सिक्स यू एस ए ने गिफ्ट की थी नेक्स्ट देखें अगर हम इसमें मेमर्स की स्पीशीज़ राउंड अबाउट ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल मेमस स्पीशीज़ हैं जिसमें फॉक्स जैकाल uh, या फिर जो है कैर्स हानिया लेपर ये सारी चीज़ें आती है। 26 हैं ट्वेंटी सिक्स टोटल स्पीशीज़ हैं मैमल्स की फिफ्टी एट डिफरेंट वैराइटिज़ हैं बर्ड्स की जिनमें ओपी फिंचिस लॉक्स श्राइक्स वीट एटर्स किंगफिशर्स किंग ईगल्स या वर्ल्च वगैरह हैं और उनमें लार्ज साइज जो बर्ड्स हैं उनमें सैंड ग्रूस और ग्रे पैट्रीज या फिर सीसी पैटरीज ये प्रेजेंट हैं हबारा बस्टर जो है वो भी रेगुलर विस्टर है इस एरिया का रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में लार्ज मॉनिटर लेजर्स जैकॉक्स टर्टल टाटॉइल्स और बहुत से कॉमन वाइटीज़ हैं पॉइजनस स्नैक्स की सिंध की वो भी इसमें प्रेजेंट हैं सो so, दिस वॉज अबाउट द कि नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान विच इज़ लोकेटेड इन सिंध नेक्स्ट जो है वो दैट इज़ लार्ज सोहड्रेड नेशनल पार्क ये पंजाब में प्रेजेंट है इसका एरिया जो है वो इकतीस हज़ार तीन सौ अड़सठ हेक्टेयरस है बत्तीस किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू बहावलपुर बहावलपुर में प्रेजेंट है ये और नाइनटीन सेवेंटी टू में ये नेशनल पार्क के तौर पर डिक्लेयर किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन स्पीशीज़ जो हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है दैट इज़ ब्लैक बर्गस चिंकाड़ा एंड सम अदर स्पीशीज़ बहुत सी और भी इसमें स्पीशीज़ हैं अब इसके स्पेशल फीचर्स जो हैं उनमें एक ये भी है कि इसमें वैरायटी ऑफ एको प्रेजेंट हैं इनमें हर तरह का एको प्रेजेंट है इसमें फॉरेस्ट भी हैं डेजर्ट भी है वाटर वाला भी है ठीक है लेक्स प्रेजेंट है इसमें बहुत बड़ी तो डिफरेंट वराइटीज़ प्रेजेंट है एको की जो कि बाकियों में देखने को नहीं मिलती इसमें तकरीबन बीस हजार इक्कीस हजार एकड़ पे जो है वो फॉरेस्ट है एक लाख एकड़ पे जो है इसका डेजर्ट है फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी झील है जो कि पचास हज़ार पर मुश्तमिल है अब इसमें प्लांट स्पीशीज़ तीन सौ दो के राउंड अबाउट हैं डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और थर्टी वन स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स वन हंड्रेड एंड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जिसमें से थर्टी एट जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स की जो हैं वो ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन स्पीशीज़ हैं इसमें रेप्टाइल्स की थ्री स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस एंड ट्वेंटी थ्री स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर फिश इस पार्क में प्रेजेंट है इसके अलावा ये पार्क जो है वो इसमें बाकी जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं या इसकी वाइल्ड लाइफ की बात की जाए उसमें ब्लैक बर्स चिंकाड़ा नील गाय वाइल्ड बोर्स होबारा बस्टर्स ग्रूस मेलर्स ब्लैक एंड ग्रे पैटरीज एंड क्वेल्स ये जो है इसकी वाइल्ड लाइफ में आता है इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है टूरिस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन जिन चीज़ों की वजह से होती है वो है इसमें टूरिस्ट हर्ट्स हेलीपैड या फिर ऑब्जर्वेशन टावर प्रेजेंट है इसमें कैंपिंग साइट प्रेजेंट है या फिर बच्चों के लिए प्ले लैंड है या स्मॉल जू है जिसमें आ, दो राइनोस रखे गए हैं नेपाल से जो कि आए थे दैट इज फॉर द अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट द नेक्स्ट नेशनल पार्क इज़ चिंजी नेशनल पार्क इसका एरिया जो है वो छः हज़ार पचानवे हेक्टेयर्स है लोकेशन साल्ट रेंज अबाउट थर्टी किलोमीटर फ्रॉम फ्राम तालागंग डिस्ट्रिक्ट चकवाल में प्रेजेंट है मेनली जो है ये फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रज़र्वेशन ऑफ ओरियल्स इसके लिए बनाया गया था।, है था। हैबिटेट जो है इसमें ये किन किन की हैबिटेट है पंजाबी ओरियल्स चिंगाड़ा गेजल्स वाइल्ड बोर सीवेट वाइल्ड हेयर मंगोस या फिर पॉर्कुपाइन्स वगैरह इसके जो है वो हैबिटेट हैं इसके अंदर से एक रिवर गुजरता है जो कि फाइनली आगे इंडस रिवर में फाल करता है इसके अलावा ये जगह जो है वो पेरियंटालो जिसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पास में उसमें बहुत से स्पेक्ट्रिकुलर फोर्सेज फाइंड आउट किए गए हैं और वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ हज़रगंजी चिल्टान नेशनल पार्क इसका एरिया जो है वो बारह हजार पाँच सौ सड़सठ हेक्टेयर है ट्वेल्व किलोमीटर साउथ ईस्ट टू तो कोटा कोटा में प्रेजेंट है नाइनटीन सेवनटी एट में इस्टेब्लिश हुआ और इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रजर्वेशन ऑफ पापुलेशन ऑफ चिल्टान मारखोर जो कि अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड करार दिया जा चुका है उसकी प्रोटेक्शन और प्रजर्वेशन के लिए ये हज़रगंजी चिल्टान नेशनल पार्क जो है वो अस्टैब्लिश किया गया था इसके बर्ड्स की बात करें हम तो बर्ड्स में सीसी पैट्रिज़ चकोर ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट बर्ड्स हैं इस नेशनल पार्क के और जो है ब्रीडिंग सीजन में बहुत से और भी बर्ड्स आ जाते हैं जिनमें वार्बलर शिंक्स रॉक्स या फिर रॉक पीजेंस वगैरह ये हैं बर्ड्स ऑफ प्रे की बात की जाए तो उसमें ईगल्स फैलकॉनस बैडड वेलचर्स वगैरह हैं हॉक्स तो ये आ, अगर फिर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स में जो है वो मेनली मॉनिटर लीजर्स या जैकॉक्स या कोबराज वाइपर्स वग़ैरह पॉइजन स्नैक्स ये प्रेजेंट हैं इसकी वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ भी प्रेजेंट हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री स्पीशीज जो कि इस नेशनल पार्क की खूबसूरती में इजाफा करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास दारोन हिंगोल नेशनल पार्क ये दो सेपरेट प्रोटेक्टेड एरियाज़ को जिनका नाम दरून था उनको आपस में मर्ज कर दिया गया और एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क बनाया गया जिसे दारून हिंगोल नेशनल पार्क कहते हैं इसका एरिया जो है एक लाख पैंसठ हजार के राउंड अबाउट है हेक्टेयर्स में और इसकी लोकेशन जो है ये बलूचिस्तान में है और ये आ, कोस्टल बलोचिस्तान के ऊपर जो है स्ट्रेच करता है वाइल्ड लाइफ की बात की जाए इसकी तो सिंध आई ओरियल्स एंड चिंकाला इसकी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में आते हैं नेक्स्ट इज़ अयूबिया नेशनल पार्क इसका एरिया एक हज़ार छः सौ चौरासी एक्टेयर्स है लोकेशन एप्ट है इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ की बात की जाए इसमें कॉमन लेपर्ड रेसेस मंकीज कॉकलॉस एंड कलीच फिजेंट वगैरह प्रेजेंट है इसमें अयूबिया नेशनल पार्क में इसके बाद चित्राल गोर नेशनल पार्क है इसका एरिया सात हजार सात सौ अस्सी हेक्टेयर के राउंड अबाउट है और ये हिंदू रेंज में प्रेजेंट है चित्राल टाउन के वेस्ट साइड पे इसकी स्पेशलिटी जो है कि ये भी मारखोर की प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए बनाया गया था उसको लोकल से बचाने के लिए और इसके जो वाइल्ड लाइफ है बाकी एनिमल जो इसमें प्रेजेंट है, उसमें ओरियल स्नो लेपर्स स्नो कॉक्स स्नो पैटरीज ग्रीन वुड एंड चकोस ये एनिमल्स शामिल हैं उसके बाद खुंजराब नेशनल पार्क है इसका एरिया दो लाख छब्बीस हजार नौ सौ तेरह हेक्टेयर है और ये वन ऑफ द हाइस्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड ठीक है ये अपने माइंड में रखते हैं और ये जो है पार्क स्पेशली शीप बहराल स्नो लेपर और हिमालयन आई की प्रोटेक्शन और उनकी प्रजर्वेशन के लिए इस्टेबलिश किया गया था अब इसमें जो है क्रॉकरम हाईवे वो भी पास होती है एंटायर द नेशनल पार्क अब गुजरते वक्त उसमें से जो है वाइल्ड एनिमल्स को देखा जा सकता है लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं वाइल्ड लाइफ पर साइड इफेक्ट्स जिसे हम कह लें इसके बाद जो है हमारे पास दैट इज द मार्गला हिल्स नेशनल पार्क इसका एरिया बारह हजार हेक्टेयर के राउंड अबाउट है और लोकेशन इसकी क्या है मार्गला हिल्स इस्लामाबाद में प्रेजेंट है कैपिटल में वाइल्ड एनिमल्स इसकी बात की जाए तो गोरल्स रेसिस मंकीस चिंगड़ा कामन लेपर्ड फॉक्सिस एंड बाकिंग डयर्स ये इसके वाइल्ड एनिमल्स हैं बर्ड्स में देखा जाए तो कलीच चीयर ग्रे पैटरीज ब्लैक पैटरीज एंड चकोर्स ये जो हैं इसके बर्ड्स हैं ये जो है पहले एक्सटेंट हो गया था तकरीबन नियर टू एक्सटेंट था 1978 में दोबारा इसको जो है वो री इंट्रोड्यूस करवाया गया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फिजन एसोसिएशन जिसकी वजह से अब दोबारा ये इसमें आ, ग्रो कर रहा है एस्टेबलिश हो रहा है सो दिस वाज अबाउट द मेन नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान आई होप दैट दिस वीडियो विल भी हेल्पफुल फॉर यू नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे या फिर जो है कुछ एम सी क्यूज वो शेयर करेंगे आप तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू